उपायुक्त के निर्देश पर हीरापुर एसडीएम आवास के समीप चलाया गया विशेष रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच शिविर। आपको बता दें, आज वैसे लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाते पकड़े जा रहे हैं। आपको बता दें, मौके पर ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट बिना मास्क के ड्राइव करने वाले लोगों को कोरोना जांच करा रहे हैं। अब तक 170 लोगों की हो चुकी है कोरोना जांच, जिसमें एक शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव। आपको बता दें, इसी मौके पर एम्बुलेंस से उन्हें आरटीपीसीआर जांच कर उन्हें समुचित इलाज के लिए कोविड अस्पताल भेजा जाएगा। वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक जवान से उलझने वाले ड्राइव में जांच कराने के बाद लिया जा रहा है फाइन। कोरोना जांच कराने के डर से हटिया के सभी दुकानदार हुए फरार। कैंप हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए लगाए हुए हैं माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में, जिसमें टारगेट मिनिमम 600 है, मैक्सिमम कुछ भी हम लोग जितना ज़्यादा कर सकें। क्योंकि ये हीरापुर का जो इलाका है बहुत डेंस इलाका है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, दुकान्स हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्टाफ के साथ आइए और सबको टेस्ट कराइए, जिससे कि संक्रमण का जो दर है उसको हम लोग रोक सकें। इसके अलावा हमने ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पे लगा रखा है, खुद मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि जो लोग विदाउट मास्क या सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, उनको भी ये समझाया जा रहा है कि आप इस तरह से ना करें और संक्रमण को फैलने में आप सहयोगी ना बने, और यदि वो नहीं मान रहे तो उनसे फाइन भी वसूली की जा रही है।